हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 6 का पार्ट नंबर लास्ट ले रहे हैं, दैट इज द 11th। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे कुछ चैप्टर जो मैं पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक जो पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेटा फर्स्ट आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। हम लोग ये वर्ड ये जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जनरली हम लोगों में जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसमें 99.9% बेस पेयर के जो सीक्वेंस होते हैं, बेस पैर के जो सीक्वेंस होते हैं वो सब में सेम होते हैं, आप में मेरे में सब में सेम होगा। ये इतने 99.9% बेस पैर सेम होते हैं, ठीक है। और 0.1% का जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ये जो 0.1 सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सबसे डिफरेंट होता है। बाकी हम लोगों में इतना ये डिफरेंट देखने को मिलता है, बाकी इतना परसेंट सेम होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जाफरी ने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। एलेक्स जाफरी करके जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम बताया था कि ऐसा करके एक सीक्वेंस आता है, इस तरह से एक उसका स्टडी है, तो उन्होंने एलेक्स जाफरी ने दिया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है, तो 99.9% सीक्वेंस सेम होता है तो 0.1 डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। हम लोग डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है, तो सेपरेट करते हैं ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट। हम ये डेंसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड हम किसके लिए यूज होता करते हैं, जहां पे कुछ कम है कोई ज्यादा है उसको डिफर करने के लिए हम ये ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ग्रेडियंट, ओके। अब ये हम लोग सेपरेट किस तरह से करते हैं, ये हम लोग सेपरेट किस तरह से करेंगे। सपोज यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने सेपरेट किया है, हमें बहुत सारी जो 99.9% था वो हमें बहुत ही ज्यादा में मिला, बल्क में मिला, ठीक है। और जो थोड़े 0.1% हमें जो थोड़े पार्ट फ्रेगमेंट्स में मिले हैं उस फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सैटेलाइट डीएनए। समझ में आया, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द सैटेलाइट डीएनए। और उसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर कौन आता है, दैट इज द रिपीटेटिव डीएनए, उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का मीनिंग ये है कि उसमें से कोई ऐसा सीक्वेंस है जो रिपीटिव होता ही रह रहा है, ए ए टी टी सी सी जी जी, इस तरह से कुछ 0.1% इस तरह से डिफर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग एक तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि एक ये बहुत ही क्विक वे है एनालाइज करने का, इट इज अ वेरी क्विक वे टू एनालाइज। एनालाइज मीन्स हम लोग पता लगवा रहे हैं, ठीक है, एनालाइज द डिफरेंस, एनालाइज द डिफरेंसेस इन द डीएनए, इन द डीएनए सीक्वेंस, ओके, ऑफ टू इंडिविजुअल। कोई भी दो इंडिविजुअल के बीच में हम लोगों को एनालाइज करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या डिफर करते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा रिपीटेटिव डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए है, जो हमें पता है कि डीएनए का एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पे रिपीटेशन होता रहता है। डीएनए का एक ऐसा स्ट्रेच आता है जहां पे वो क्या हो जाता है, रिपीटेटिव होना शुरू कर देता है, ए यू सी जी ए ए सी सी जी, तो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे वो रिपीटिव होते रहता है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, हम लोगों ने जैसे बोला कि डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से हम उसको अलग करते हैं, तो डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से जो हम लोग उसको डिफर करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट, तो हम लोगों ने जो सारे डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग किया विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड से हम लोग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको मैंने बताया हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिपीटेटिव डीएनए को बल्क डीएनए से डिफ्रेंशिएट करते हैं, बल्क से हम लोग रिपीटेटिव को डिफर करते हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, जिससे मुझे एक मेजर पिक मिलता है सेंट्रीफ्यूगेशन में कि भाई क्या है कि ये कौन सा हमारा सैटेलाइट डीएनए है और कौन सा हमारा बल्क डीएनए है। ठीक है, तो हम लोगों को जो स्मॉलर पिक मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी सैटेलाइट डीएनए, इसको हम लोगों ने बोला है स्मॉलर पिक को सैटेलाइट, और ये क्या है दैट इज दी बल्क डीएनए, ये कॉमन है, पर मुझे ये सैटेलाइट डीएनए से ही हम लोग अलग अलग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, जनरली ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएट होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट डीएनए के बारे में, जो हम लोगों ने 0.1% अलग से दिख रहा है वो हम लोग उसको सैटेलाइट डीएनए को किस तरह से डिफर करते हैं। फर्स्ट हम लोग उसको डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा ये सारे नोट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग भाई हमें पता है चारगफ रूल के हिसाब से एटी और सीजी का रेशियो कितना है वो हम एक बार देख लेते हैं रिपीटेटिव डीएनए में। फिर जो सीक्वेंस है लेंथ ऑफ सीक्वेंस उसका कितना है वो भी हम एक बार चेंज कर देख लेते हैं डीएनए का। ठीक है, जो सीक्वेंस बार बार मतलब बार बार वो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है वो भी हम एक बार चेक करते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स द सीक्वेंस रिपीट्स, तो हम लोगों ने ये भी एक बार चेक कर लिया कि भाई कितने बार हो रहा है, और नंबर ऑफ टाइम जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉपी नंबर। ठीक है बेटा, तो ये सैटेलाइट डीएनए को हम इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। यही सैटेलाइट डीएनए हम लोग ने इसके बेसिस पे अलग करने के बाद हमें उसको बहुत अलग अलग टाइप्स देखने को मिलता है। ठीक है, पहला आता है दैट इज द मिनी सैटेलाइट और दूसरा आता है दैट इज द माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, मिनी सैटेलाइट जो हम लोगों ने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ जो डिफरेंशिएट हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके अंदर एक आता है वीएनटीआर, वेरी मच इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हमेशा आता है। ठीक है, वीएनटीआर का फुल फॉर्म है दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीटेटिव, तो ये मिनी सैटेलाइट के अंदर हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। वेरस जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें तो हम लोगों को क्या है धीरे धीरे अलग अलग सारे कैप्शंस एनोटेशंस सब हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज एनोटेशंस, ये मैं बताती हूँ डिस्क्रिप्शंस में। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो मिनी सैटेलाइट और एनोटेशंस हम लोगों ने डिफरेंशिएट माइक्रो सैटेलाइट में डिफर करता है, तो हम एक बार फर्स्टली यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि ये मिनी सैटेलाइट जो बता रहा है वेरिएबल नंबर ऑफ दिस ये है क्या। ओके, ये क्या डिफर करता है एक बार हम इसको डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो वीएनटीआर मेथड जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को बोला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टेक्निक्स होती है। एलेक्स जाफरी ने बोला था कि डीएनए प्रोफाइल यानी डीएनए के बारे में किस तरह से हम लोगों को डीएनए को निकालना है, डीएनए को निकालते हम लोग कहां से है, हमें किसी का डीएनए की स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक कोई इंडिविजुअल का डीएनए हम लोग कहां से निकालेंगे, डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, कोई भी टिश्यू से हम लोग डीएनए निकाल सकते हैं, वेदर वो ब्लड हो या हेयर फॉलिकल हो, ठीक है, स्किन, बोन, सलाइवा, ये सबसे हम लोग एक अलग अलग कोई भी डीएनए हम लोग डीएनए यहां से मिल सकता है। तो ये जो डीएनए है
हम लोगों को जो मिल रहा है, सपोज मैंने हेयर फॉलिकल से एक डीएनए में निकाला, अब मुझे उसके बहुत ही वेरियस टाइप्स बनाने हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने बोला है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी डेफिनेशन हमेशा पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पूछते हैं कि भाई व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, वीएनटीआर से पहले हमें थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बेटा, ठीक है। ये डिफिनेशन तुम लोग अपने नोटबुक में लिखना। पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट में जो भी लेंथ है वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, कौन सा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। कोई भी डीएनए के फ्रेगमेंट में मुझे कहीं पे भी कहां पे एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, कहां एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, वो पता लगाने के लिए मैं वो मेथड को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि भाई कौन सा अलग से न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो रहा है, कौन सा डिलीट हो रहा है, तो ये सब लोग इंसर्शन और डिलीशंस हम लोगों को ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स में मिलता है वो भी हम लोग पढ़ते हैं इस पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स डीएनए के सेगमेंट के बारे में पूरा पढ़ना, जो हम लोगों ने कहां से मिला था, हेयर फॉलिकल, ब्लड से, बोन से। तो हम लोग इसको लिखेंगे बेटा, ये सब कुछ अपने नोटबुक में लिखना, इट डिटेक्ट्स दी डिफरेंसेस इन डीएनए फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट लेंथ्स ड्यू टू दी प्रेजेंस और एब्सेंस, किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रेजेंट होना और नहीं होना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके, साइट और दूसरा क्या था, ड्यू टू एन इंसर्शन, इंसर्ट कोई भी न्यूक्लियोटाइड का होना और कोई न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन होना, दैट अकर्स बिटवीन टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म पूछा जाता है तो आपको ये बताना है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। और ये पॉलीमॉर्फिज्म मुझे कहां से देखने को अलग अलग देखने को मिलता है, जो मैंने बताया था, दैट इज स्किन से, बोन से, ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, ये सब से, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों को पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन भी देखने को मिलता है। आप लोग एग्जिट कॉपी नहीं हो, वेरिएशंस वाले हो, तो वैसे क्या है, ये हमें पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स टू चिल्ड्रन भी देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग एक पैटर्निटी टेस्टिंग में, पैटर्निटी टेस्टिंग का मीनिंग ये है, यदि तुम लोग गुम वगैरह हो रहे हो, तुम्हें देखना है कि भाई ये तुम्हारे फादर, ये तुम्हारे मदर, तुम इसके बच्चे हो, तो पैटर्निटी टेस्टिंग में भी हम लोगों को ये पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है, ठीक है, पैटर्निटी टेस्टिंग, ओके। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का तुम लोगों को इतना याद रखना है। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा अब आगे, हम लोगों ने मिनी सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था, उस मिनी सैटेलाइट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज द डीएनए का, दैट इज द वीएनटीआर मेथड, ठीक है। मिनी सैटेलाइट में हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज वीएनटीआर मेथड, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीटेटिव, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सबसे पहला फर्स्ट आता है कि हम लोगों ने, देखो बेटा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ठीक है, वही है, किस तरह से हम लोग डीएनए को पहले निकालते हैं। ध्यान से याद कर लो, हम लोगों ने डीएनए को आइसोलेट कैसे किया था, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम लोगों ने ये सेल लिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, हेयर फॉलिकल का ये सेल है, और ये न्यूक्लियस में से मुझे डीएनए निकालना है, तो डीएनए के साथ क्या क्या निकलता है, बहुत सारी और भी सब्सटेंसेस निकलते हैं, आरएनए होगा, लाइसोजाइम्स होगा, ये तो मैंने इन सबको किसके साथ ट्रीट किया था, एंजाइम्स के साथ ट्रीट करा था, फिर क्या डाला था, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, याद आया आप लोगों को, चिल्ड इथेनॉल की वजह से वो फनल में हम लोगों को क्या देखने को मिला था, यहाँ पे ऐसा फ्रोथ झाग जैसा, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिला था, और उसी में कौन था, ये डीएनए का फ्रेगमेंट था। तो डीएनए का फ्रेगमेंट मैंने किससे अलग करा था, स्पूलिंग मेथड से, ये आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है,
तो स्पूलिंग मेथड से मैंने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट कर दिया। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट आता है डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, किस किस थ्रू करेंगे हम लोग, एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, उसको हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग उसको उस फ्रेगमेंट को अलग कर देंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड आता है यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन बेटा ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जो मैंने डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग किया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सपोज मैंने एक फ्रेगमेंट को लिया या 10 फ्रेगमेंट्स लिए, तो सपोज मैंने 10 फ्रेगमेंट्स लिए, मुझे उस 10 फ्रेगमेंट्स में को मुझे 1 लाख फ्रेगमेंट्स बनाना है। ठीक है, इतने फ्रेगमेंट्स बनाना है, तो ये जो मैंने करा वो किसके थ्रू करूंगी, पीसीआर। याद आया आप लोगों को, मैंने ये भी बायोटेक्नोलॉजी में, पीसीआर यानी दैट इज दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के थ्रू मैं यहाँ पे इसके काउंट को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो सेकेंड प्रोसेस आता है दैट इज दी एम्प्लीफिकेशन। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड मेथड के बाद थर्ड मेथड आ रहा है, दैट इज थर्ड स्टेप आता है डाइजेशन। अब हम लोगों ने पीसीआर के थ्रू तो बहुत सारे काउंट तो बढ़ा दिए, तो थर्ड होता है डाइजेशन। डाइजेशन कौन करेगा, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, तो एंडोन्यूक्लियस के थ्रू हम उसको ट्रीट करेंगे, जो मैंने 1 लाख बनाए थे डीएनए के फ्रेगमेंट उसको मैं किससे ट्रीट कर रही हूँ, एंडोन्यूक्लियस के साथ। क्लियर? फर्स्ट था डीएनए का आइसोलेशन किया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकेंड मैंने एम्प्लीफिकेशन करा विद द हेल्प ऑफ पीसीआर मेथड, थर्ड मैंने करा डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड नाउ फोर्थ, देखो बेटा बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे सब काम आ रहा है, फोर्थ मैंने किया दैट इज द सेपरेशन। सेपरेशन मैं कैसे करूंगी, मैंने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद आया आपको ये भी पढ़ाया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के थ्रू मैंने ये डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन सा एग्रोस जेल यूज करते थे, ठीक है, एग्रोस जेल हम लोग ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यूज करते थे, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आगे, सॉरी लार्जर फ्रेगमेंट्स आगे होते थे और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स पीछे होते थे। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको सेपरेट कर दिया। अब आता है फिफ्थ, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी ब्लॉटिंग मेथड, सडन ब्लॉटिंग मेथड। ठीक है, वो ब्लॉटिंग ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने यहां से एक बहुत ही थिन पेपर होता है, साड़ी का कपड़ा या चुन्नी का कपड़ा होता है वैसा, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को निकाला और उस नाइट्रोसेलुलोस नाम के जो पेपर है उसमें डाल दिया, क्योंकि एग्रोस जेल उसके ऊपर स्टिक होगा तो वो मुझे रिमूव करना है, वो तो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगी, ये ब्लॉटिंग मेथड मैं यूज करूंगी, जो हम लोगों ने सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को मैं ट्रांसफर करूंगी एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, और इस सिंथेटिक मेम्ब्रेन का जो नाम है वो हम नाइलॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं या एक जो मेम्ब्रेन होता है नाइट्रोसेलुलोस वो भी हम दे सकते हैं, जिससे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स में जो भी दूसरे छोटे छोटे मटेरियल होंगे वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब मैंने डीएनए के फिफ्थ मेथड तक पता चला आपको, तो अब सिक्स्थ मेथड आता है, स्टेप आता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने 1 लाख का तो देख लिया, मैंने ये देखा कि उसमें से 1 लाख में से भी कुछ 9 लाख ही बच रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए मैंने एक प्रॉब डाला। बेटा प्रॉब क्या है ये भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में। मैंने हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए एक प्रॉब यूज किया। प्रॉब कैसे होता है, इट इज द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ मिनी सैटेलाइट डीएनए। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग ये। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन यानी 9 लैक्स का भी 18 लैक्स बनाना है सपोज मुझे। ठीक है, तो मैंने ये क्या करा, विद द हेल्प ऑफ वीएनटीआर प्रॉब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे वो उस सिंगल स्ट्रैंड के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाएंगे।
तो यही क्या करेंगे, वो सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाएंगे और बना रहे हैं, दैट इज दी कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस बनाना शुरू कर देंगे। कब? ये हाइब्रिडाइजेशन में। अब आता है सेवेंथ मेथड, सेवेंथ स्टेप आता है। अब मैंने जो भी बनाए टोटल 18 लैक्स समथिंग बन चुके हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि भाई मैंने जो बनाया हुआ है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं ऑटो रेडियोग्राफी मेथड करती हूँ, वहां पे मैं एक्सरे फिल्म्स डालूंगी, इसके ऊपर एक्सरे करूंगी, वो डिटेक्ट करेगा कि जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना रखा है, जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना रखे हैं, वो ऑटो रेडियोग्राफी से वो हम डिटेक्ट करेंगे और उसमें बहुत अलग अलग डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मुझे मिलेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज में, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज होगा तो ऑरेंज लेगा, पिंक लेगा, वायलेट लेगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डार्क बैंड एंड लाइट बैंड लेना शुरू करते हैं। तो ये था वीएनटीआर के सेवन स्टेप्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कोई भी हम डीएनए का सीक्वेंस अरेंज करते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के वाइज हम उसको डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिकल से हम लोग देख भी सकते हैं। ये वीएनटीआर जो मेथड मैंने बताया, कोई भी दो पर्सन का करते हैं, ठीक है, हम लोग देखा जाएगा कैसे करा जाता है। किसी ने क्राइम किया है और उस घर में तुम अकेले हो और वो जो चोर है, ठीक है, वहां पे जो क्राइम करके गया है, तो वो जो क्रिमिनल है और वहां पे तुम हो, तो तुम्हारा वीएनटीआर मेथड भी होगा और उस क्रिमिनल का कोई प्रूफ मुझे मिला होगा, कुछ हेयर सेल्स मिले होंगे, स्किन के सेल्स या कुछ फिंगरप्रिंटिंग मिली होगी, तो उसके सब ये वीएनटीआर होगा, तब हम चेक करते हैं। एक बार हम लोग एक एग्जांपल से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे लोग चेक करते हैं, क्रिमिनल लोगों का कैसे चेकिंग होता है, वो हम लोग एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पर एक बार उससे पहले हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। डीएनए की मेन एप्लीकेशंस ये है कि वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, जैसे क्रिमिनल रिपोर्ट्स वगैरह होता है उसमें, ठीक है, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग ये यूज करते हैं। फिर दूसरा हम लोग करते हैं पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। ठीक है, कोई बोलता है कि भाई ये हमारे डिस्प्यूट्स, यानी कि झगड़े वगैरह जो होते हैं रिलेशनशिप्स में, वो से सब वो होता है। हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, हमारे परदादा कौन है, परनाना कौन है, इस तरह से हमें इवोल्यूशनरी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हमें जेनेटिक पॉपुलेशन में मिलता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इंडिविजुअल ए, ठीक है, एक इंडिविजुअल ए है, उसका मैंने क्रोमोजोम वन बनाया है। ठीक है, ये मैंने क्रोमोसोम यहाँ पे बनाया इस तरह से, इसका ये है क्रोमोसोम नंबर टू बनाया मैंने, ध्यान से समझना बेटा, और क्रोमोसोम नंबर थ्री। ओके, अब यहां पे मैंने ये इंडिविजुअल ए बनाया, ये है इंडिविजुअल बी। ठीक है, यहां पे भी मैंने इसके ऐसे क्रोमोसोम्स की स्टडी इसकी भी की है, क्रोमोसोम बी। ठीक है, यहां पे अब यहां पे मैंने देखा है कि इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस कितने देखने को मिल रहे, 1 2 3 4 5, ये 5 देखने को मिल रहा है, यहां पे मुझे 3 देखने को मिल रहा है, यहां पे मुझे इस तरह से अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यहां पे मुझे 1 देखने को मिल रहा है, 4 ठीक है, ये मुझे डिफरेंट डिफरेंट ये देखने को 6 कर देते हैं, इसको ये ऐसे सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। सपोज वैसे ही सिमिलरली इंडिविजुअल बी में भी मुझे 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मुझे 8 देखने को मिल रहा है, 2 3 5 4 एंड 1, ऐसे मुझे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल ए और बी। मैं यहां पे ऐसा चेक करने के लिए ये बनाती हूं ऐसा, ठीक है, यहां पे भी मैंने ऐसा ब्लॉटिंग बना दिया। ओके, सपोज मैं यहां पे नंबरिंग दे देती हूं 10 9 8 7 6
फाइव फोर थ्री टू एंड वन, ठीक है। मैंने ऐसा ये स्टेज बनाया, सिमिलरली इंडिविजुअल बी का भी मैंने बनाया ऐसे, ठीक है। ये था इंडिविजुअल ए का भी मैंने बनाया और ये इंडिविजुअल बी का। अब हम लोग ये देखते हैं क्रोमोसोम नंबर वन, इंडिविजुअल ए में मुझे क्या दिख रहा है, फाइव दिख रहा है। तो इंडिविजुअल ए का ये फाइव नंबर का फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये थ्री नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इंडिविजुअल बी में मुझे एट नंबर का क्रोमोसोम दिख रहा है और टू नंबर का क्रोमोसोम दिख रहा है, ओके। क्रोमोसोम टू देखते हैं, यहां पे मुझे सेवन नंबर का भी दिख रहा है और वन नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पे मुझे थ्री नंबर का क्रोमोसोम दिख रहा है और यहां पे मुझे फिफ्थ नंबर का क्रोमोसोम, ओके। फिर आता है फोर एंड सिक्स, फोर एंड सिक्स, ओके। हियर सिमिलरली फोर एंड वन, ये ऐसे मुझे दो इंडिविजुअल का डिफरेंट दिख रहा है। उसी में जिसने क्राइम करके वहां पे गया है, ठीक है, क्राइम करके एक जगह गया है, उसका हम लोगों ने देखा कि उसका ब्लॉटिंग हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, हमें यहाँ पे इस तरह से उसका देखने को मिल रहा है। तो हमें ये ब्लॉटिंग ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये हम लोगों, ये जो क्रिमिनल का हेयर फॉलिकल मिला था या ब्लड सेल या स्किन सेल, मुझे ऐसा देखने को मिला। घर घर में ये दो लोग थे, उनका ये हम लोगों ने डीएनए टेस्टिंग किया और ये जो क्रिमिनल का मुझे सैंपल मिला था उसमें से मैंने ये करा। तो ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच है, ये मैच हो रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते कि ये क्राइम करके गया था, जिसका जो भी सैंपल में मुझे मिलता है वो उससे मैच कर रहा है, तो हम लोग एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक बेटा, ये जो भी हम लोगों ने, प्लीज आप लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो हम लोगों ने ये सारे एप्लीकेशन, वीएनटीआर मेथड, पॉलीमॉर्फिज्म, मिनी सैटेलाइट एंड दैट इज द बल्क सैटेलाइट हम लोगों ने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जाफरी ने दिया था, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन विथ डायग्राम, ठीक है, वीएनडीआर के स्टेप्स और एक एग्जांपल से आपको ये भी समझाना है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ ये टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।